हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे, और आपका नया साल का शुरुआत भी बहुत अच्छा से हुआ होगा। तो ये है 1 तारीख का वीडियो। सो यहाँ पर देखिए, मॉर्निंग में ना ज़रा सा लेट किया, उठ जाओ ना तो इंसान का ना सारा रूटीन गड़बड़ जाता है। तो लेट मतलब मैं ना 7 बजे के करीब, नहीं 6:30 बजे तो उठ गए थे, पर हम गए थे मेरे मम्मी के यहाँ मैं सोने, क्योंकि इनकी थी नाइट ड्यूटी, तो मैं उधर ही जाती हूँ सोने के लिए नाइट ड्यूटी में। तो फिर इनको आते तक के 6:30-7 बज जाते इनको आते तक के, तो फिर उधर मैं सोई थी। तो आज का है जैसे संडे है ना, 31 का सैटरडे था और 1 तारीख का संडे था। तो ये देखिए, मैंने कल ना कपड़े वॉश किए थे। किसी भी हाउसवाइफ के लिए ना ना न्यू ईयर ना 31 ना कुछ, मतलब कोई भी सन त्यौहार आ जाए तो उनके लिए, हाउसवाइफ के लिए ना सेम ही होता है सब कुछ, क्योंकि घर के काम जो होते हैं भले ही एक्स्ट्रा के काम बढ़ जाते हैं पर कम कभी नहीं होते हैं। तो ऐसा होता है। यहाँ पर मैं ना कल कपड़े धोया था, तो इतने सारे मैंने बताया ही था ना, तो इतने सारे कपड़े थे तो कल सूख भी नहीं पाए अच्छे से। तो उन सारे कपड़ों को मैंने आज धूप दिखाने ऊपर ला लिया है, और छत पर देखिए अभी जगह भी नहीं है उतनी, मतलब रस्सी जो है ना उतने सारे नहीं है, और है भी तो मैं वो जो चिमटे होते हैं वो नहीं है, तो कपड़े उड़ जाएंगे हवा से, इसीलिए मैंने एक के ऊपर एक सुखाया। वैसे भी सूख तो गए हैं, सिर्फ धूप दिखाना था तो वो मैंने दिखा दिया है। और अभी आ गई हूँ नीचे। नीचे गैस को मैं क्लीन करना था। आज के लिए मैंने काफ़ी कुछ सोच के रखा था पर मैं कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि रूटीन गड़बड़ा गया। मैंने बताया ना, साल के पहले दिन ही रूटीन गड़बड़ा गया। तो आज यहाँ पर मैं गैस को तो क्लीन कर लेती हूँ एटलीस्ट कुछ नहीं तो। और ये जो है साइड में पेपर वगैरह सारा कुछ मुझे चेंज करना था, तो आज मुझसे शायद नहीं होगा क्योंकि लेट हो चुका है, और मैं जब लेट हो जाता है तो मैं ये सब काम नहीं करती हूँ। सोचती हूँ हर रोज़ कि मैंने ये भी सोच के रखा था कि मैं, मतलब हम जब भी कुछ सोच के रखें ना तब कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए ना सोच कर ही करो तो बेहतर है। तो ऐसा है, मैंने सोचा था कि मैं 1 तारीख से ना कुछ भी हो जाए कैसे भी हो जाए मैं 4:30 बजे या 4 बजे के करीब उठ जाऊंगी, और लगभग 8 बजे तक के अपने सारे काम ख़त्म करके 9 बजे अपना पूजा पाठ करने के लिए बैठ जाऊंगी, ऐसा मेरा था। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, मेरे साथ सारा उल्टा हो गया। तो एटलीस्ट कुछ नहीं, कोई बात नहीं, मैं अभी नहीं हुआ तो क्या हुआ। मैं ऐसा नहीं कि मैं ट्राई नहीं करूँगी, मैं बहुत जल्दी ट्राई करूँगी, सुबह जल्दी उठने का कोशिश करूँगी। तो बस यही है एक्चुअली, क्या है ना, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, मेरी जो मतलब मेरी जो शक्ति है मैं उसी के हिसाब से करती हूँ सारा कुछ, उसी के हिसाब से उठ पाती हूँ। और जब तक पूरी नींद ना हो जाए तब तक के फ्रेश फील भी नहीं होता है, तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि दोपहर में ना मुझे सोने नहीं मिलता, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह ही मैं थोड़ा सा सो लूँ। पर कैसा है ना, बच्चे का स्कूल वगैरह होता है, इनकी सुबह की ड्यूटी होती है, तो इनकी तो सुबह की ड्यूटी 2 दिन होती है, तो बच्चे का स्कूल डेली होता है, तो फिर उस हिसाब से मुझे उठना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पर हो गया है क्लीनिंग, गैस को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, और इसको मैंने ना अभी बहुत दिनों से क्लीन नहीं किया था, तो आज मैंने इसे फाइनली क्लीन कर दिया है। आ गई हूँ बेडरूम में, इनकी थी नाइट ड्यूटी जैसे कि बताया, तो ये आकर सो गए हैं, और बाबू को मैंने दूध बिस्किट जो भी है उसको दे दिया है, नहीं दूध बिस्किट नहीं सॉरी, इनके फ्रेंड आए थे न्यू ईयर की, तो उन्होंने जलेबी लाए थे गर्मा गर्म, तो वो ही बाबू खा रहा था। तो यहाँ पर देखिए मैं सारे ब्लैंकेट्स वगैरह को जो है घड़ी फोल्ड करके रख देती हूँ, और एटलीस्ट मतलब जब तक के बेड पर कोई सोया हो तो नहीं हो पाता है क्लीन, बट जितना हो सके मुझसे पॉसिबल मैं उतना ही करूँगी, और जो कपड़े वगैरह है सारे ना अच्छे से फोल्ड करके मैं रख दूँगी, और फिर रह जाएगा सिर्फ बेड को क्लीन करना, तो जब ये उठ जाएंगे तभी मैं बेड को क्लीन कर पाऊँगी। तो ऐसा है, तो ऐसा होता है ना, ससुराल मायका एक ही गांव में हूँ, और तो ऐसा है मायका भी यहीं पे है, ससुराल भी यहीं पे है, तो ऐसा होता है कि मतलब मैं चली जाती हूँ, वरना दूर होता तो मैं कहाँ से जाती। तो बस ऐसा ही है, और इसी वजह से मतलब अगर मैं गई नहीं होती, अगर मैं घर पर ही सो जाती ना, तो मैं जल्दी उठ जाती और जल्दी मेरे आज काम भी हो जाते। तो बस
यहाँ पर देखिए ये जो मेडिसिन वगैरह है बाबू की वैसे ही रखी हुई थी, तो देख रही थी मैं यहाँ से कौन सी मेडिसिन काम की है कौन सी नहीं, तो वही सारे मैं हटा कर रख दूँगी जो काम के नहीं है, और जो अभी चल रही है वो उसे मैं बाहर रख दूँगी। और अभी ड्रेसिंग भी मेरा ना अभी काफ़ी दिनों से मैंने सेट नहीं किया है, तो मुझे ये भी निकालना पड़ेगा क्योंकि बाबू मेरा यहाँ पर भी हाथ लगाते रहता है तो सारी चीज़ें निकालते रहता है, तो वो भी मुझे सेट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए टेबल पे कितना सारा पसारा है, अब ये मैं तो नहीं करती होंगी ना तो बस ये बाबू ही करके रखता है सारा कुछ, तो अभी मैं इसे भी समेट लेती हूँ, तो ये भी ठीक ठाक कर दूँगी मैं टेबल को। जब तक कि सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर ना हो ना, तब तक के ना मन नहीं लगता है किसी चीज़ काम में, तो बस ये करके मैं अभी झाड़ू पोछा कर लूँगी। और ये देखिए अभी मैं आपसे डायरेक्टली इवनिंग के समय में मिल रही हूँ, और सोचा मैंने कि आज न्यू ईयर का दिन है, नया साल लग गया है, तो भगवान जी के लिए कुछ स्पेशल बनाया जाए, तो बस आज मैं यहाँ पे ना पूरन पूड़ी बना रही थी। तो पूरन पूड़ी तो आप जानते ही होगी, तो वही बना रही थी मैं, तो इसके लिए मैंने चने की दाल को कुकर में लगा दिया था चुनकर अच्छे से धोकर, और वो पक चुकी थी, और मैंने अभी इसे घी में और शक्कर डाल के मैं इसे भून लिया है। और अभी मैं यहाँ पर ये आटा भिगो दिया था थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर, और अभी मैं इसे इसकी रोटी बना लूँगी और फिर मैं इसे तवे पर सेक लूँगी, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये मैं बना लूँगी, और मैंने सोचा कि मतलब कुछ ना कुछ तो भगवान जी को आज प्रसाद चढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि नया साल है, और हमें दे मतलब ऐसा होता ही है ना, मैं डेली तो नहीं कर पाती हूँ पर एक दिन तो हम कर सकते हैं ना, तो बस इस हिसाब से मैं कर लिया, क्योंकि हमें तो नहीं पसंद, मैं तो नहीं खाती हूँ, मुझे नहीं पसंद ये सब, बट भगवान जी के साथ साथ हमको भी मिल जाएगा, तो यही था। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। वैसे तो आपको मेरे वीडियोस पसंद ही नहीं आते क्योंकि आप लोग लाइक ही नहीं करते हो, और हाँ जिन लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो ना, बहुत सारे लोग आते हैं वीडियोस को व्यूज़ भी ही देते हैं मतलब देखते हैं पर लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए कितना मायने रखता है ये आप नहीं समझते, क्योंकि हाँ हमें थोड़ी ना मतलब उसका कुछ पैसा मिल रहा है, और आपको भी नहीं पैसा लग रहा है कि सब्सक्राइब कर दे, और कर दीजिएगा। और देखिए यहाँ पर सारा हो गया था, और मैं ये पूरन बचा हुआ निकाल कर रख दे रही हूँ, जितनी की ज़रूरत थी मैंने उतनी ही बनाया है, तो किचन का ओटा मैं अभी क्लीन कर ले रही हूँ क्योंकि ताकि मुझे सुबह जो है मुझे किसी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, और मुझे गैस ओटा सुबह अगर अच्छा क्लीन मिल जाए ना तो बहुत ही अच्छा फ्रेश फील होता है, काम करने की इच्छा होती है, वरना तो फिर होती ही नहीं। मैं ये बर्तन वगैरह भी क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से अभी। देखिए कर लिया है फाइनली।